नमस्कार, मैं म्यूजिक लवर्स सिंगिंग सितार ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सिंगिंग सितार ट्यूटोरियल में हमारा उद्देश्य है कि जो संगीत सीख रहे हैं और जिनको विशेषकर संगीत उपशास्त्रीय संगीत या फिल्म संगीत सीखना है इंस्ट्रूमेंटल पे, लाइक सितार हो या वायलिन हो, फ्लूट हो, विशेषकर सितार, उनको नोटेशन के साथ हम गाने एक्सप्लेन करेंगे ताकि उनको बजाने में आसानी हो। और मेरे साथ है वरुण दीक्षित। वरुण, कौन सा गाना सीखना चाहते हो? सर, एक बहुत फेमस गाना है बॉलीवुड का, ये हंसी वादिया ये खुला आसमान। बिल्कुल, वो सीखना चाहते। तो ये देखो, हर एक गाने का एक सेंट्रल एक स्वर होता है, मतलब पूरा वो हम लोग लाइन सुने तो एक उसमें से एक सेंट्रल स्वर निकलता है जो उस गाने की पट्टी कहलाता है। जैसे कि इस पूरे स्वर का, इस पूरे कॉम्बिनेशन का बेस स्वर ये है, मतलब ये तो इसलिए ये कौन सा है? तो ये काली एक है, सी शार्प। तो ये गाना सी शार्प में बेस्ड है। सावे ग ग म रे, सावे प ग म रे, ये नोट्स है इसके। रे प म ग ग म ग रे, सा रे प प म ध द प ग म ग म ग म ग म ग म म ग। म ग म ग म ग म ग म ग म ग, ये सा है। म ग म ग शुद्ध ग, म कोमल ग, निशा नी ध ग ध। निशा नी ध ग ध ध ग ध ध निशा 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 नी ध। ये जो
जो स्टैंजा है फर्स्ट, सा रे प म नि प म ग म रे, सा रे प प म नि ग म रे, कोमल का कोमल नहीं, सा रे प प म नि ग म रे, कोमल का देखो, सा रे प म नि प म ग म रे, सा रे प प म नि ग म रे, प ग ग ग ग म रे, प ग ग ग ग ग म रे, ग ग ग ग ग म ग रे, प ग ग ग ग ग म रे, टेम्पो में एक बजाया है। हाँ, एक बार पूरा गाना टेम्पो के साथ। कौन सा टेम्पो है? 50 है। लगा दो। टिक टिक में 4 बीट का। Thank you.
धन्यवाद। आप इसी तरह म्यूजिक सुनते रहे, समझते रहे। एंजॉय म्यूजिक, एंजॉय लाइफ। थैंक यू।